अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज मैं बनाने लगा हूँ दही बल्ले। ये आलू हम बॉयल कर रहे हैं, आलूओं को बॉयल करते हैं, और साथ ही ये मैंने बल्लियों को पानी में भिगो कर रखा था, और ये देखो फूल चुकी और नरम हो गई हैं। तो देखो माशाल्लाह फूल कर कितनी प्यारी लग रही हैं। अब मैंने ये आलू जो हैं उनको डाल लिया है डिश के अंदर। अब इसमें हमने बल्लियों को डाल रहे हैं, बल्लियों को डाल देते हैं। और ये देखें माशाल्लाह इनकी रंगत और कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही है। तो हमने एक साइड पे रायता बनाया, इसमें ब्लैक पेपर डाल रहा हूँ, अब प्याज काटा हुआ डाल रहा हूँ, और टमाटर इसमें डाल रहे हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह से हल कर लेना है, इसको बीट करेंगे, बीट करेंगे, ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। मिक्स करने के बाद फिर हम दही बल्लों में डालेंगे, फिर इसका जायका माशाल्लाह बहुत अच्छा और ज़बरदस्त आएगा। ये देखें, ये मैं इसमें दूध डाल रहा हूँ, मिल्क, इसमें थोड़ा मिल्क डालना इसलिए ज़रूरी होता है कि उसमें फिर जायका बहुत मज़े का और अच्छा आता है। अब हमने दही बल्लों के अंदर हमने डाल दिया है, और ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह ताला ने कितनी बरकत डाल दी इसमें, और कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त दही बल्ले बन गए हैं ये। हम हल्का हल्का मिक्स करते हैं इसको, और फिर हम इसके ऊपर जो है फिर वो लगाएँगे चाट मसाला। चाट मसाला ऊपर लगाने से उसका एक टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये चाट मसाला ऊपर लगा रहा हूँ मैं ऐसे, बिल्कुल देखें रंगत भी इसकी चेंज हो गई है। अगर ज़्यादा स्पाइस खाना हो तो ज़्यादा स्पाइस डालें। ये देखें माशाल्लाह कितने बिल्कुल प्यारे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब हम इसके ऊपर ग्रीन चिली भी लगाएँगे, उससे और ये खूबसूरत लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।